सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। देखो सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि कोई गैल्वेनोमीटर कितना छोटे से छोटे करंट को मेजर कर सकता है, उसे सेंसिटिविटी बोलते हैं। देखो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत छोटे करंट को भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करके दिखा दे। कौन चाहेगा कि 2 mA का करंट हुआ और सुई घूमे भी नहीं, वो तो फिर पता, ये तो फिर खराब गैल्वेनोमीटर हो गया ना। तो आप जितनी छोटी वैल्यू मेजर कर पाएगा उतना ही बढ़िया गैल्वेनोमीटर है, तो हम बोलते हैं उतना ही सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। तो ये लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन, खूब डिफ्लेक्शन शो करेगा इवन व्हेन अ स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट। बहुत छोटे करंट को पास करने पे भी अगर डिफ्लेक्शन अच्छी हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, अच्छी सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर दो टाइप की है, करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो पहला है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी है एक गैल्वेनोमीटर कितनी छोटी से छोटी करंट की वैल्यू को मेजर कर सकता है, वो है उसकी करंट सेंसिटिविटी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी है कितनी छोटी से छोटी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी के अंदर क्या बता रखा है, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैथमेटिकल फॉर्मूला है एल्फा डिवाइडेड बाई आई, कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई जब आपने आई करंट पास किया। ये फॉर्मूला देखा लगता है, फिगर ऑफ मेरिट का रेसिप्रोकल चेक कर लो, वो आई बाय एल्फा था, ये एल्फा बाय आई है। तो फिगर ऑफ मेरिट जितनी ज़्यादा होगी सेंसिटिविटी उतनी पुअर होगी। तो इसलिए अच्छा गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़िया होती है और फिगर ऑफ मेरिट कम होती है, राइट। तो ये फॉर्मूला नोट करें, एल्फा बाय आई। और ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, आपने आई बाय एल्फा करंट के फॉर्मूला से निकाल रखा है, उसका रेसिप्रोकल कर दें, फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करें, इंपॉर्टेंट है। करंट सेंसिटिविटी एन बी ए बाई के, तो करंट सेंसिटिविटी एन बी ए बाई के, तो एक अच्छा गैल्वेनोमीटर मैंने क्या बताया कौन है, जो छोटे करंट को मेजर करे। छोटे करंट को मेजर करने के लिए मैं ये चाहता हूं कि टॉर्क बढ़िया से बढ़िया हो, ज्यादा से ज्यादा टॉर्क हो। ज्यादा टॉर्क कैसे पैदा कर सकते हो ये बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा होगा, सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। बी को बढ़ा के, बी ज्यादा होगा टॉर्क ज्यादा होगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। एरिया को बढ़ा के, क्योंकि एन बी ए जब बढ़ता है टॉर्क बढ़ता है, और टॉर्शनल कॉन्स्टेंट छोटा रख के, छोटा रखोगे सेंसिटिविटी बढ़ेगी। पेपर में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाउ कैन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट सेंसिटिविटी, आप लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग एन बी एंड ए एंड बाय डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ के। तो फॉर्मूला लिख लिया करंट सेंसिटिविटी का, ठीक है। उसी तरीके से है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी है कि कितनी छोटी से छोटी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जा सकता है बाय गैल्वेनोमीटर, उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी है। अब आप ये सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, गैल्वेनोमीटर तो आई मेजर करता है, वी कैसे मेजर करने लग गया। देखो वी करेगा कैसे, अगर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की वायर की रेजिस्टेंस जी है, और आपके गैल्वेनोमीटर ने करंट मेजर कर दिया आई जी, तो इसकी वोल्टेज क्या होगी, आई जी इंटू जी। ये वोल्टेज मेजर्ड बाय अ गैल्वेनोमीटर। तो कुछ नहीं करेगा वो, अपने मेजर्ड करंट को अपनी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देगा। अब कई बुक्स इसको जी लिखती हैं और कई बुक्स इस रेजिस्टेंस को आर लिखती हैं, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। तो वोल्टेज कैसे, एक्चुअल में बेसिकली तो करंट मेजर हो रहा है, पर वोल्टेज तो मैथमेटिकल फॉर्मूले से मेजर हम कर रहे हैं, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी मेजर हो सकती है अगर कोई मशीन करंट मेजर कर दे। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी है, इंपॉर्टेंट है, कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई, कितने एंगल से आपका कॉइल रोटेट हुआ, डिवाइडेड बाय कितनी वोल्टेज उसके अंदर जनरेट हुई। तो अल्फा को वी से डिवाइड कर दिया, लेकिन वी क्या होता है, ओम लॉ से आई इन टू आर, वेयर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। लेकिन ध्यान से देखें अल्फा बाय आई क्या है, करंट सेंसिटिविटी। तो एक शॉर्टकट बन गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी बाय गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। बेटर है आप इसे फॉर्मूला रजिस्टर में ऐसे लिखें, वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी बाय जी लिख लें। मैंने आर जरूर लिख दिया पर ज़्यादातर मैं न्यूमेरिकल में जी यूज़ करूँगा, पहचान में आ जाती है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी है। कई बुक्स आर भी लिखती हैं, जहाँ से मैंने लिखा होगा आर लिया होगा, पर ज़्यादातर मैं जी के साथ काम करूँगा। और
करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमने ऊपर कर लिया, कितना एन बी ए बाई के। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है करंट सेंसिटिविटी बाई आर या जी। तो क्या फॉर्मूला बन गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का, एन बी ए डिवाइडेड बाई के टाइम्स आर। तो क्वेश्चन आएगा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बाई इंक्रीजिंग एन बी ए एंड बाई डिक्रीजिंग आर एंड के। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? और यही चीज तो हमने इसमें लिखी हुई है, वही चीज लिखी हुई है कि फैक्टर्स बाय विच सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। इसको देखते हैं।